अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं अपनी क्लास में आपके लिए दोबारा क्ले का आइटम्स लेकर आई हूँ। ये पॉलीमर क्ले से बने हुए आइटम्स हैं और इसमें कुछ डायग्राम्स भी हैं जिसे देखकर आप इजीली बना सकते हैं फ्लावर्स वगैरह। क्ले जो है बनाना, मैंने वो पहले वीडियो में आपको शेयर की हूँ किस तरह बनाया जाता है और किस तरह से शेप दिया जाता है। ये पैटर्न्स के ज़रिए आप इजीली इसे बना सकते हैं। आपको देखकर पता चल जाएगा कि आपको किस तरह क्ले को शेप देना है, किस तरह उससे बाइंड करना है। ये सब आइडियाज़ आपके लिए हैं। ये सब इयररिंग्स है, अक्सर क्लेज में हम बनाने के बाद जो साइड एजेस या कुछ भी बच जाता है उसका भी बना सकते हैं, तो बेटर यूज़ है। इयररिंग्स वगैरह बहुत क्यूट लगती है क्लेज की, आप ज़रूर ट्राई करें। ये रोज़ बनाने का एकदम ईजी तरीका है, आप अच्छे से इसे बना सकते हैं। और ये वॉल हैंग बहुत प्यारा लगता है बनने पर। अक्सर कांच के मर्तबान यानी जो फ्लास्क वगैरह होते हैं या ग्लासेस वगैरह की बॉटल्स वगैरह होती हैं वो हम यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं, तो आप उसे रीस्टॉक कीजिए, रीयूज़ कीजिए। क्लेस के ज़रिए आप इन्हें क्ले के ज़रिए खूबसूरत बना सकते हैं, इसे आप अपने किचन में यूज़ करें। फ्लावर पॉट्स वगैरह बहुत खूबसूरत बनते हैं, सिरामिक पॉट्स, इसके लिए भी हमें सिरामिक के लिए रेडीमेड फैब्रिक्रिल का क्ले मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ग्लू मिलाकर उसका क्ले बनाकर। और या तो फिर आप कॉर्नफ्लावर या मैदे का, जिसे ऑल पर्पस फ्लो कहते हैं, उसे भी आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपने पहले वीडियो में लिंक शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें पूरा बनाने का तरीका लिखा हुआ था। इंशाल्लाह इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसको बनाने का तरीका देखिए। फूड एंड टिप्स करके एक चैनल है, मेरी फ्रेंड का है, मैं उसे फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छा चैनल है, तो आप उसमें देखिए। आप बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं, मैंने आगे आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।